गाइस गाइस गाइस, अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पोको M4 Pro, जी हाँ दोस्तों, ये 4G वाला वेरिएंट है और इसका 5G वाला वेरिएंट भी अवेलेबल है। और कुछ दिन पहले दोस्तों मैं ऑनलाइन ऐसे ही कुछ फोन्स देख रहा था, तभी इस फोन की प्राइस कुछ 11,500 तक आ गई थी। मतलब दैट इज क्रेजी। अगर आप इसमें बैंक ऑफर्स लगाते हो तो इसकी प्राइस और भी नीचे आ जाती है, और इस प्राइस में ये आपको इतना सब कुछ दे रहा है। तो दोस्तों आपको वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे, इसमें आपको क्या क्या अच्छा देखने को मिलता है, सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे और मैं अपना इस पे रिव्यू दूंगा कि आपको ये फोन बाय करना चाहिए कि नहीं, क्या ये फोन आपके लिए सही रहेगा या कहीं कोई चक्कर तो नहीं है। सो वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे अनबॉक्सिंग से। दोस्तों यहाँ पे आपको वही पोको का येलो कलर का बॉक्स देखने को मिलता है। वैसे दोस्तों पोको एक यूथ ब्रांड है, पोको यूथ को या फिर कहें तो नई जनरेशन को ज्यादा टारगेट करता है, तो जो ये फोन्स एंड कलर्स भी लाते हैं वो भी कुछ वैसे ही होते हैं। बॉक्स में सबसे पहले दोस्तों आपको डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है, केस का कवर आता है विथ बिग कटआउट और क्वालिटी अच्छी है केस की। इसके बाद ऑफकोर्स फोन मिलता है और आपको 33 वॉट का चार्जर मिलता है यहाँ पे। और याद रखिए ये 12,000 के आसपास आने वाला फोन है, उस हिसाब से 33 वॉट की चार्जिंग पोको ने दी है, सो दैट इज गुड। और आपको टाइप ए टू टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है और एक सिम कार्ड टूल देखने को मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड की, तो जो इसका कैमरा कटआउट है वो बहुत ही बड़ा देखने को मिलता है और अच्छा लगता है देखने में। और ये कुछ कुछ Xiaomi का 11 Ultra जो आता है उसकी तरह इसे कुछ डिजाइन लगता है देखने में। तो मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, doesn't look like a 12-13,000 फोन। इन हैंड फील अच्छा आता है, फ्लैट एजेस के साथ आता है और वेट इसका 183 ग्राम्स है। और दोस्तों नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, एक माइक देखने को मिलता है। लेफ्ट में सिम कार्ड ट्रे आता है जिसमें आप दो सिम और एक एसडी कार्ड लगा पाओगे। राइट में वॉल्यूम रॉकर देखने को मिलता है एंड पावर बटन आता है जिसमें फिंगरप्रिंट भी है। और दोस्तों फेस अनलॉक भी आता है और दोनों ही काफ़ी फास्ट अनलॉक हो जाते हैं, ऐसा सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों ऊपर की तरफ काफ़ी कुछ आता है, यहाँ पे हेडफोन का गड्ढा देखने को मिलता है, स्पीकर ग्रिल दिया गया है और आयर ब्लास्टर दिया गया है और एक सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन दिया गया है। तो ओवरऑल दोस्तों ये आपके सारे काम कर देगा। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको मीडियाटेक का हीलियो G96 ये वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है और दोस्तों ये काफ़ी अच्छा और कैपेबल प्रोसेसर है, अभी दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसमें आपको तीन वेरियंट देखने को मिलेंगे, 664, 6+128 एंड 8+128। और रैम टाइप की बात करूं तो इसमें आपको LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिलती है एंड स्टोरेज टाइप आपको UFS 2.2 दी गई है, जो काफी अच्छी बात है, UFS 2.2 स्टोरेज है। और हाँ दोस्तों आप रैम को अप टू 11GB तक वर्चुअली एक्सपेंड कर पाओगे। दोस्तों इसमें आपको हीलियो का G96 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 12nm पे बेस्ड है। इसी प्राइस में दो चिपसेट आपको और देखने को मिलते हैं फोन में, जो है 680 और 695। 680 इसका कॉम्पिटिटर तो नहीं कह सकता हूं मैं, लेकिन 695 इसका कॉम्पिटिटर है। दोस्तों G96 एक 12nm बेस्ड प्रोसेसर है और जो 695 है ये 6nm बेस्ड है, तो 695 इज मोर पावर एफिशिएंट देन G96, लेकिन G96 में आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी कंपैरिजन विद 695 के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 695 में आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन पावर एफिशिएंट ये कम होगा किससे, 695 से। तो इससे गेमिंग में भी आपको 695 से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करेंगे मोस्ट हाईलाइटेड फीचर ऑफ दिस फोन, वो है इसका डिस्प्ले। दोस्तों इसमें आपको 6.43 इंच की एक FHD+AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है जिसमें 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट आता है। मतलब डेट इज क्रेजी, इस प्राइस में भी आपको AMOLED डिस्प्ले मिलता है विथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, वाओ। और इसमें आपको 180 हर्ट्ज का TSR देखने को मिलता है और 1000 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलती है। जनरली इस प्राइस रेंज में 500 टू 600 निट्स की ब्राइटनेस आती है, लेकिन इसमें आपको 1000 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, तो आउटडोर में भी आपको ये आराम से विजिबल हो जाता है, ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अच्छा है, बजट इससे कम है लेकिन चिन एवरेज साइज की है। और हाँ दोस्तों इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जिनकी क्वालिटी सही में अच्छी है, और एमोलेड डिस्प्ले तो है ही, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको एकदम टॉप नॉच होने वाला है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और इसमें वाइड 1.11 का सपोर्ट भी आता है एंड FM रेडियो इज ऑल्सो देयर। और तो और दोस्तों इसमें आपको IP सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है,
इसमें आपको IP53 की रेटिंग देखने को मिलती है। जनरली हम लोग 15,000 के नीचे आने वाले फोन्स में IP रेटिंग्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसमें आपको दी गई है IP53, सो डैट इज़ ऑल्सो गुड। बैटरी की बात करें तो इसमें आपको बड़ी बैटरी आती है 5000 mAh की, जो इस फोन में होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें आपको G96 देखने को मिलता है जो कि 12 nm बेस्ड है, जो पावर एफिशिएंट होगा में तो उसकी बैटरी यूसेज ज्यादा रहती है। सो 5000 mAh बैटरी इज देयर। और साथ में इसमें आपको 33 W का चार्जर देखने को मिलता है एट दिस प्राइस, मतलब यहाँ पे दूसरे फोन्स में आपको 18 W, 10 W, 15 W ऐसे देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको 33 W का चार्जर दिया गया है, सो दैट इज ऑल्सो गुड। सो ये चार्जर आपके फोन को 0 to 100% विद इन 1 hour चार्ज कर देगा। सेंसर्स की बात करें तो सभी सेंसर्स आते हैं इसमें। कनेक्टिविटी में दोस्तों इसमें आपको ड्यूअल 4G वोल्टेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग आता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है एंड ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी है। अब दोस्तों बात करेंगे परफॉर्मेंस की, तो फिर से दोस्तों G96 की परफॉर्मेंस 695 के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर निकल के आती है, क्योंकि इसको ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया है। सो आप आराम से मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे गेमिंग कर पाओगे। तो दोस्तों मैं एक बात डेफिनेटली कह सकता हूँ, परफॉर्मेंस आपको एकदम मक्खन देखने को मिलेगी। OS एंड UI की बात करूं तो इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 देखने को मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 11। तो यहाँ पे Android 12 होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, वैसे भी इसमें MIUI आती है जिसमें बहुत सारे बग्स देखने को ऑलरेडी मिलते हैं, और Android 12 अभी इतना स्टेबल नहीं हुआ जितना कि अभी Android 11 है। तो Android 11 प्लस MIUI और थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर्स देखने को मिलते हैं जिन्हें आप डिलीट कर पाओगे। अब दोस्तों कैमरा की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। दोस्तों इसमें आपको 64 MP का मेन कैमरा देखने को मिलता है, 8 MP का पोर्ट्रेट दिया गया है और 2 MP का मैक्रो लेंस दिया गया है, एंड फ्रंट में आपको 16 MP की सेल्फी देखने को मिलती है। और दोस्तों प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छे पिक्चर्स ये क्लिक कर लेता है, स्किन टोन्स अच्छे आते हैं, डायनेमिक रेंज अच्छी है। और दोस्तों इसका जो 64 MP वाला सेंसर है उसमें आप पिक्चर को अगर जूम करोगे तब भी वो फटती नहीं है इतनी जितना कि 50 MP वाले जो सेंसर्स आजकल फोन्स में दिए जा रहे हैं उसमें होता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि आपको ये फोन बाय करना चाहिए कि नहीं, तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें अच्छी देखने को मिल जाती हैं जो कि वैल्यू फॉर मनी है। अगर आपके लिए 5G इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपके लिए ये 4G वाला वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको अच्छी डिस्प्ले, अच्छी बैटरी, अच्छी चार्जिंग मिल जाती है, अच्छी लुक्स भी मिल जाती है, अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है। बस थोड़ा सा मुझे एक जगह लगा कि इसमें आपको MIUI 13 देखने को मिलता है जिसमें थोड़े बहुत बग्स आते हैं, लेकिन वो लोग इसे इम्प्रूव कर रहे हैं और फ्यूचर में ये और भी इम्प्रूव होगा, तो ऐसे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यूज़ करने में। तो मैं एक बार डेफिनेटली कह सकता हूँ दिस इज द बेस्ट फोन अंडर 15,000 या फिर कहें तो अराउंड 12,000। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। जय हिंद।